हेलो स्टूडेंट वेलकम टू क्लास। हम एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं टॉपिक है हमारा ब्रांच अकाउंट आज जो हम करेंगे डेटर मेथड जो कि कॉस्ट मेथड है वो कर रहे हैं इसके ऊपर सम नंबर वन करेंगे विथ सॉल्यूशन। ब्रांच अकाउंट का इंट्रोडक्शन पार्ट या आई बटन से चेक करें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वो भी चेक करें प्रीवियस टॉपिक uh, है हमारा फायर इंश्योरेंस क्लेम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसके पूरे वीडियो बने वो भी आप चेक करें तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन विद सोल्यूशन के साथ तो क्वेश्चन नंबर वन हरी इज़ हैविंग इज हेड ऑफिस एट मुंबई एंड ब्रांच एट नासिक तो हरी एक ओनर है इनका हेड ऑफिस मुंबई में है और इनका जो ब्रांच है नासिक में है प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद द ब्रांच आपको जो भी एंट्री पास करनी है वो ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है ब्रांच अकाउंट का जो लेजर है इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको ब्रांच अकाउंट के हिसाब से एंट्री करनी है यानी हमारे पास एज अ ब्रांच कुछ आया तो डेबिट और हमारे पास से हेड ऑफिस को रिटर्न गया तो क्रेडिट ये दो ही बेसिक फंड है उसको याद रखें ओपनिंग बैलेंस एट ब्रांच यानी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो इनको आपको लेजर में डेबिट साइड लिखना है फिर गुड्स अप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर दिन गुड्स टू ब्रांच ब्रांच में गुड्स आ रहा है डेबिट वॉट कम्स इन फिर अमाउंट रेमिटेड बाय द ब्रांच अब ये अमाउंट जो कैश है ये कैश ब्रांच दे रहा है यानी ब्रांच अकाउंट से जा रहा है क्रेडिट वॉट गोस आउट यानी ये कैश इज और रियलाइजेशन फ्रॉम डेटा ये दोनों ही ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे बच्चों इसका बेसिक चीज है उसको याद रखो अगर ब्रांच में आ रहा है तो डेबिट और ब्रांच से जा रहा है तो क्रेडिट फिर अमाउंट रेमिटेड टू द ब्रांच यानी अब ब्रांच में पैसा आ रहा है कहां से, रहा है, से रहा है? Anyhow, आ रहा है चो से आ रहा है एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस दिए है ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का डेबिट है तो क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का बच्चों क्रेडिट साइड लिखना है ठीक है सिंपल एंट्री है वापिस से बोला हूँ एसेस ओपनिंग डेबिट एसेस क्लोजिंग क्रेडिट और उसके बाद जो बीच में ट्रांजेक्शन है वो रियल अकाउंट का रूल लगता है डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट कोस आउट ब्रांच में कुछ भी आया तो डेबिट और ब्रांच से कुछ गया तो क्रेडिट लेजर ड्रॉ कर ले पहले हेडिंग लिखे इन द बुक्स ऑफ एच ओ नासिक ब्रांच अकाउंट ठीक है हमारा जो मेन है वो नासिक ब्रांच है उसके पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज पहले एसेस के एंट्री है वो पास कर रहे हैं एस एस एंट्री डेबिट साइड तो डेबिट साइड लिखें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और फिर ये तीनों एसेस के नाम लिखें पीटी कैश स्टॉक डेटर तीनों का अमाउंट के साथ लिखें फिर गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर तो ब्रांच में गुड्स आ रहा था यानी डेबिट साइड और इसको नाम क्या लिखना है आपको टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट ठीक है थ्री लैख टेन थाउजेंड देन अमाउंट रेमिटेड बाय द ब्रांच यानी ब्रांच ने पैसा दिया तो ब्रांच अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे अमाउंट रेमिटेड टू द ब्रांच ब्रांच में पैसा आ रहा है यानी वापस आपको कैश बेंगे लिखना पड़ेगा टू कैश रेमिटेड फॉर अभी कैश आ रहा है हमारे पास किस वजह से आ रहा है पेटी कैश एक्सपेंस सैलरी रेंट एक्सपेंस तीनों का अमाउंट लिखें टोटल करें अब लास्ट में है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस यानी आपको क्रेडिट साइड लिखना है बाय बैलेंस डाउन पेटी कैश स्टॉक डेटर पूरा अमाउंट के साथ लिखें सिंपल है पोस्टिंग खत्म हो गई हमारी तो अब इसको क्लोज करेंगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे इसमें क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो वो दोनों साइड लिख लेते हैं फोर लैख ट्वेंटी थ्री नाइन फिफ्टी इसके साथ अब डेबिट का टोटल को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल एन थर्टी टू थाउजेंड नाइन फिफ्टी तो बहुत ही सिंपल है ब्रांच अकाउंट बच्चों लॉजिक याद रखे एसेस ओपनिंग और क्लोजिंग ओपनिंग डेबिट में क्लोजिंग क्रेडिट में ओपनिंग क्लोजिंग होने के बाद जितने भी ट्रांजेक्शन में एक ही रूल याद रखना ब्रांच में आ रहा है तो डेबिट और ब्रांच से जा रहा है तो क्रेडिट और लास्ट में फाइनल आंसर आया आपका नेट प्रॉफिट इसको ट्रांसफर करेंगे जो पीएनएल थर्टी टू नाइन फिफ्टी तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हो गया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो गॉड ब्लेस यू